इस वीडियो में बात करते हैं हम टीवी पर चलने वाले 10 ऐसे रोमांटिक और मोहब्बत भरे ड्रामों के बारे में जिनकी स्टोरीज आपके सीधे दिल को छू लेंगी। और अगर आपने ये ड्रामे अभी तक नहीं देखे तो फिर कुछ भी नहीं देखा। ड्रामा सीरियल सिलाए मोहब्बत नाजरीन हम टीवी पर चलने वाला ये एक ऐसा रोमांटिक ड्रामा है जिसकी स्टोरी आप देखने के बाद कभी भूल नहीं पाएंगे। ड्रामा सीरियल सिलाए मोहब्बत को नादिया अहमद ने लिखा और अदील सदीकी ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में रुबाब आशिम और नूरुल हसन रिजवी ने मरकजी किरदार निभाए जबकि मोमिना इकबाल अली सफीना और अरसलान असद भट्ट भी अहम किरदारों में शामिल थे। ड्रामा सीरियल सिलाए मोहब्बत 2021 में आम टीवी पर ऑन एयर हुआ जिसके नंबर ऑफ एपिसोड 40 थी। ड्रामा सीरियल फिर वही मोहब्बत मोमिना दुरेद प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाला ड्रामा सीरियल फिर वही मोहब्बत एक रोमांटिक ड्रामा है जिसे मंसूर सईद ने लिखा और मोहसिन मिर्जा ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे की कहानी दो भाइयों के गिर्द घूमती है जो एक ही घर की लड़कियों मतलब दो बहनों से शादी करते हैं। इस ड्रामे की लीड कास्ट में अहमद अली अकबर, हानिया आमिर, सलमा हसन और शमून अब्बासी शामिल थे। 22 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल फिर वही मोहब्बत 2017 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया। ड्रामा सीरियल तजदीदे वफा दिल को छू जाने वाली स्टोरी पर मबनी ड्रामा सीरियल तजदीदे वफा एक ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा है जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अपनी बेहतरीन स्टोरी की वजह से पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ। इस ड्रामे में एनी जाफरी, अहमद अली अकबर, नवीन वकार और हारून शाहिद जैसे बड़े अदाकार शामिल थे। समीरा फजल की तहरीर करदा और इलियास कश्मीरी की डायरेक्शन में बनने वाला ड्रामा सीरियल तजदीदे वफा 2018 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ जिसके नंबर ऑफ एपिसोड 30 थी। ड्रामा सीरियल सनम नाजरीन हम टीवी का एक ऐसा रोमांटिक ड्रामा जो पाकिस्तान समेत इंडिया में भी बेहद मकबूल हुआ और इस ड्रामे की न सिर्फ स्टोरी कमाल की थी बल्कि अदाकारी भी उम्दा थी। मोना हसीब की तहरीर करदा और हसीब हसन की डायरेक्शन में बढ़ने वाला ड्रामा सीरियल सनम में उस्मान खालिद भट्ट, माया अली और हलीम फारूक ने मरकजी किरदार निभाए और ड्रामे की स्टोरी भी इन तीनों ही के गिर्द घूमती है। 22 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल सनम 2016 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल अना एक बेहतरीन स्टोरी पर मबनी ड्रामा सीरियल अना हम टीवी का हाईएस्ट रेटेड ड्रामा है जिसे बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। ड्रामा सीरियल अना में हानिया आमिर, शहजाद शेख, नेमल खावर और उस्मान मुख्तार ने मरकजी किरदार निभाए और इन सभी की अदाकारी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। ड्रामा सीरियल अना इतना हिट हुआ कि इंडियन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर भी दिखाया गया। इस ड्रामे की नंबर ऑफ एपिसोड 30 थी और ये एक बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामा है। ड्रामा सीरियल ये रहा दिल नाजरीन पाकिस्तान का एक ऐसा ड्रामा जो अपने वक्त में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी टॉप ट्रेंड बना रहा। इस ड्रामे को शगुफ्ता इजाज ने लिखा और सिराजुल हक ने डायरेक्ट किया। ड्रामा सीरियल ये रहा दिल में यमुना जैदी और अहमद अली अकबर ने मरकजी किरदार निभाए जबकि अदनान जाफिर और अनम गौहर भी अहम किरदारों में शामिल थे। ड्रामे की कहानी एक ऐसे जोड़े के गिर्द घूमती है जो आपस में मोहब्बत करते हैं। 26 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल ये रहा दिल 2017 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा मोमिना दुरेद प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाला ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा एक ऐसा ड्रामा है जिसकी कहानी एक ऐसे जोड़े के गिर्द घूमती है जिनकी मोहब्बत इनके वालदैन के माजी की नज़र हो जाती है। इस ड्रामे में सजल अली और अहद रजा मीर ने मरकजी किरदार निभाए और इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया जबकि अदनान सदीकी और मीरा सेठी भी अहम किरदारों में शामिल थे। फरत इश्तियाक की तहरीर करदा और एहसन तालिश की हिदायत में बढ़ने वाला ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा 2019 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ जिसकी टोटल 133 थी।
ड्रामा सीरियल माहे तमाम। नाजरीन, हम टीवी के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले ड्रामों में माहे तमाम भी एक ऐसा ड्रामा है जो रोमांस और इमोशन से भरपूर था। इस ड्रामे को आमना रियाज ने लिखा और सैयद अहमद कामरान ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में वहाज अली, रमशा खान, इमाद इरफानी और नवीन वकार ने मरकजी किरदार निभाए और इन सभी की अदाकारी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। ड्रामा सीरियल माहे तमाम 2018 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ, जिसकी टोटल 128 थी। ड्रामा सीरियल मेरा अबरू। नाजरीन, पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रामा, जिसने अपनी यूनिक स्टोरी और दिल को छू जाने वाली अदाकारी की वजह से हर तरफ धूम मचाए रखी और बेहद मकबूल हुआ। ड्रामा सीरियल मेरा अबरू में नूर हसन रिजवी, सनम चौधरी, साद कुरैशी, मिर्जा जैन बेग और जिया अली शामिल थे। खास तौर पर सनम चौधरी और नूर हसन रिजवी की जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की गई। 34 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल मीर आबरू को वासिफ अली ने लिखा और फुरकान अदन ने डायरेक्ट किया और ये ड्रामा 2019 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल। मोहब्बत की लाजवाब कहानी पर मबनी ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल एक मास्टरपीस पाकिस्तानी ड्रामा है, जिसकी कहानी एक सैयद घराने से ताल्लुक रखने वाले लड़के के गिर्द घूमती है, जिसे एक नाचने वाली से मोहब्बत हो जाती है। ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल में इमरान अशरफ और सारा खान ने मरकजी किरदार निभाए और इन दोनों ही की जोड़ी ने हर तरफ आग लगाए रखी। हाशिम नदीम की तहरीर करदा और वजाहत रऊफ की डायरेक्शन में बनने वाला ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल 2020 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ, जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया। ये है वो 10 सुपरहिट पाकिस्तानी रोमांटिक और मोहब्बत भरे ड्रामे जो बेहद मकबूल हुए। तो आपने ड्रामों में से कौन कौन से देखे हैं, या फिर आपका कोई ड्रामा पसंदीदा हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।